इस समय भारत वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पिछले दो सालों से भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जहां इस समय कई यूरोपियन देश रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, यूएस चाइना जैसे देशों की ग्रोथ रेट गिर रही है, वहीं भारत की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। इस समय भारत की GDP 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। 2026 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा और 2027 तक भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा और 2032 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा और फिर वहां से शुरुआत होगी भारत के डेवलप कंट्री बनने की। RBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर भारत को 2047 तक यानी कि आने वाले 25 सालों में एक डेवलप कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को हर साल 7.6% से ग्रो करना होगा। अब ये भारत कैसे करेगा, आइए जानते हैं। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। अभी कुछ दिनों पहले RBI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को हर साल 7.6% से ग्रो करना होगा। पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक डेवलप कंट्री होती क्या है। तो देखो, डेवलप कंट्री की कोई प्रॉपर डेफिनेशन या क्राइटेरिया नहीं होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से इसे डिफाइन करती है और अपने क्राइटेरिया के आधार पर देशों को डेवलप कंट्री मानती है। जैसे कि आजकल उन देशों को डेवलप माना जाता है जहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोगों की पर कैपिटा हाई होती है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड हाई होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हाई होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, उन देशों को डेवलप कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, प्रेस फ्रीडम और जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे भी आजकल कई देशों को डेवलप कंट्री माना जाता है। बेसिकली आज के समय अगर किसी भी कंट्री को एक डेवलप कंट्री बनना है तो उस कंट्री को इकोनॉमिकली के साथ साथ सोशली भी डेवलप होना पड़ेगा। तो अगर भारत को आने वाले 25 सालों में एक डेवलप कंट्री बनना है तो भारत को इकोनॉमिकली के साथ साथ सोशल पैरामीटर्स में डेवलप होना पड़ेगा। अब भारत कैसे एक डेवलप कंट्री बनेगा, उसके लिए आपको भारत की हिस्ट्री जाननी होगी, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में भारत को क्या करना है और क्या नहीं करना है। 2023 में भारत वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। पर आपको बता दूं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी था। अंग्रेज भारत को इतना लूट के चले गए थे, उसके बावजूद भारत दुनिया की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी था। तो 1947 से लेकर अब तक भारत सिर्फ एक रैंक ऊपर आया है। अब ये देखने के बाद आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भारत ने तो तरक्की ही नहीं की है। तो देखो, ऐसा नहीं है। 1947 में जब भारत वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी था, पर फिर उसके बाद भारत ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था की बैंड बज गई। जहां दुनिया कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही थी और तेजी से ग्रो कर रही थी, वहीं भारत में सोशलिज्म चल रहा था जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमे होने लगी और 1990 तक भारत वर्ल्ड की 17वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। 6 से 17 पोजीशन पे भारत आ गया था। पर फिर उसके बाद भारत ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जिसके चलते 2014 में भारत वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज में आ गया था और अब भारत वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। तो फ्यूचर में हमें ये गलती दोबारा से नहीं करनी है। यहां से अगर भारत को एक डेवलप कंट्री बनना है तो भारत को कैपिटलिज्म को अपनाना पड़ेगा। आज के समय जितने भी डेवलप कंट्री हैं सभी ने कैपिटलिज्म को अपनाया है। इवन चाइना ने भी कैपिटलिज्म को अपनाया है। तो भारत को भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनना होगा। इसके अलावा भारत को और भी बहुत से एरियाज में काम करना होगा। जैसे कि इस समय हम भले ही यूके को बीट करके वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, पर आज भी हम पर कैपिटा इनकम के मामले में यूके से बहुत पीछे हैं। जहां यूके की पर कैपिटा $46,000 है, वहीं भारत की पर कैपिटा $2,600 है। यूके की पर कैपिटा हमसे 18 गुना ज्यादा है। यूके एक हाई इनकम कंट्री है और भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि ये हाई इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्री क्या होती है। तो देखो, हर साल वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को उनकी पर कैपिटा के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में डालती है। जैसे कि जिन देशों की पर कैपिटा $1,135 से कम होती है उन देशों को लोअर इनकम कंट्रीज बोला जाता है। जिन देशों की पर कैपिटा $1,136 से $4,465 के बीच होती है उन देशों को लोअर मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है। जिन देशों की पर कैपिटा $4,466 से
$1,845 के बीच होती है उन देशों को अपर मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है, और जिन देशों की पर कैपिटा $13,846 से ज्यादा होती है उन देशों को हाई इनकम कंट्री बोला जाता है। भारत की पर कैपिटा $2,600 है, तो भारत इस समय एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। पर मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2030 तक भारत की पर कैपिटा $5,000 से ज्यादा की हो जाएगी और उस समय भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। पर अगर भारत को एक हाई इनकम कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को 2047 तक 7.6% से ग्रो करना होगा, और अगर भारत इतने स्पीड से ग्रो करता है तो 2047 तक $40 trillion की इकोनॉमी बन जाएगा और उस समय भारत की पर कैपिटा $21,664 हो जाएगी और भारत एक हाई इनकम कंट्री बन जाएगा। पर कैपिटा के अलावा भारत को बाकी चीजों में भी ध्यान देना होगा, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 189 कंट्रीज में से 131 है। इंडिया का HDI स्कोर 0.64 है। आज के समय जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने ये स्कोर 1980s में ही अचीव कर लिया था, तो सोचो भारत इन देशों से 42 ईयर्स पीछे है। इसके अलावा भारत की रैंक हंगर इंडेक्स में भी 107 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 है, जेंडर गैप में 135 है। तो अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है तो भारत को इन सभी एरियाज में बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पर देखो, अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से भारत सरकार देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने में बहुत मेहनत कर रही है, और इसके लिए भारत सरकार बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर रही है, बहुत सारे पॉलिसीज बना रही है, रिफॉर्म ला रही है, जिससे देश की ग्रोथ रेट बढ़ सके। पेंडेमिक के चलते भारत की ग्रोथ रेट ऑल टाइम लो चली गई थी, भारत की ग्रोथ रेट -7% गिर गई थी, पर फिर 2021 में भारत की ग्रोथ रेट में रिकवरी देखने को मिली। 2021-22 में भारत ने 8.7% से ग्रो किया था और 2022-23 में 7.2% से ग्रो किया है। अब भारत को बस इस मोमेंटम को बरकरार रखना है और आने वाले 25 सालों में 7.5% से 8% के बीच ग्रो करना है। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो इससे भारत में गरीबी कम होगी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज होगी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर होगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि आप बहुत ही अच्छे सपने दिखाते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखो, मैं यहाँ पे अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक जो मैंने बताया है आपको वो RBI, वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली का डाटा है, और आगे मैं जो भी बताऊंगा वो भी कई ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, और यही ऑर्गेनाइजेशन देशों को डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में डालती हैं। जैसे कि मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाला डेकेड इंडिया का डेकेड होने वाला है। आने वाले 10 साल में भारत में हाउस होल्ड की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2021 में भारत में 38% लोग सालाना $5,000 से कम कमाते हैं, 36% लोग $5,000 से $10,000 के बीच कमाते हैं, 24% लोग $10,000 से $35,000 के बीच कमाते हैं, और सिर्फ 2% लोग ही भारत में सालाना $35,000 से ज्यादा कमाते हैं। पर 2031 तक इसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। भारत में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। $5,000 से कम कमाने वाले लोग 13% होंगे, $5,000 से $10,000 के बीच कमाने वाले लोग 34% होंगे, $10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले लोग 46% हो जाएंगे, और $35,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 7% से ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्शन की है कि आने वाले 7 सालों में भारत की ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा 2031 तक भारत का एक्सपोर्ट आज के मुकाबले डबल हो जाएगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाले डेकेड में भारत एशिया और ग्लोबल ग्रोथ का की ड्राइवर होने वाला है। जिस तरह 2007 से 2011 के बीच चाइना तेजी से ग्रो हुआ था, उसी तरह भारत भी आने वाले समय में तेजी से ग्रो करने वाला है। पर यहां पे मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब 2024 में बीजेपी इलेक्शन जीतेगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की ग्रोथ दो कारण से थम सकती है। एक कारण है ग्लोबल रिसेशन, किसी वॉर के चलते दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ जाए, ऑयल की प्राइस बढ़ जाए, या फिर 2024 में बीजेपी इलेक्शन हार जाए। तो 2024 का इलेक्शन भारत की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा RBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है तो उसे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 25% से इंक्रीज करके 35% तक ले जाना होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ेगी और फिर इससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते आने वाले समय में भारत और तेजी से ग्रो करने वाला है, और वो वजह है डेमोग्राफिक फैक्टर। इस समय भारत में 50% जनसंख्या 25 साल से कम है और 65% जनसंख्या 35 साल से कम है। भारत की टोटल वर्कफोर्स इस समय 900 मिलियन लोगों की है और अगले 30 सालों में 273 मिलियन लोग और जुड़ेंगे, तो 2050 तक भारत की टोटल वर्कफोर्स 1.08 बिलियन पीपल की होगी। तो आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो पॉपुलेशन का एडवांटेज चाइना को 25 साल पहले मिला था, वही एडवांटेज आज भारत को मिल रहा है। भारत एक यंग कंट्री है जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और आने वाले 5-6 साल इंडियन इकोनॉमी कम से कम 6-7% के बीच ग्रो करने वाली है। आने वाले 4 सालों में भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाला है, जिससे भारत की हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज होगी, उनकी कंजप्शन बढ़ेगी, जिससे भारत का डोमेस्टिक मार्केट तेजी से इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2030 तक इंडिया के 80% हाउस होल्ड मिडिल इनकम
ग्रुप में आ जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार जिस तरीके से भारत को डिजिटलाइज कर रही है, टैक्सेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रही है, बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, तो इन सब चीजों के चलते भी भारत तेजी से ग्रो करने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब दिख रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भारत 25 सालों तक 7.6% से कैसे ग्रो करेगा, तो देखो इससे ज्यादा स्पीड से चाइना ने 30 साल ग्रो किया है। इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान ने भी कई दशकों तक अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करके रखा है, तो भारत के लिए भी ये करना मुश्किल नहीं है। हाँ, किसी साल भारत की ग्रोथ रेट कम हो सकती है और किसी साल बहुत ज्यादा हो सकती है। भारत को 25 साल ऑन एन एवरेज 7.6% से ग्रो करना होगा। देखो, अगर भारत को एक डेवलप कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इन्वेस्ट करना होगा, फीमेल वर्कफोर्स को बढ़ाना होगा, मेन और वेमेन दोनों को मिलकर भारत को डेवलप कंट्री बनाना होगा। औरतों के बिना भारत कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। इसके अलावा भारत को एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ध्यान देना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा। तो भारत के पास डेवलप कंट्री बनने के लिए 24-25 साल है, तो इन सालों में भारत को अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भारत ये नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि भारत बहुत जल्दी ही कई छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा एक समय भारत फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करता था और आज फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है। आज अगर भारत अपने राइस एक्सपोर्ट को रोकता है तो यूएस समेत कई डेवलप देश घबराने लगते हैं, उनके यहाँ पैनिक बटन ऑन हो जाता है। इसके अलावा पैंडेमिक के समय अगर किसी देश ने 100 देशों को फ्री वैक्सीन दी थी तो वो देश भारत ही है। इसके अलावा दुनिया का सबसे एडवांस पेमेंट सिस्टम UPI इंडिया में ही है। तो इस समय ये कहना कि भारत आने वाले 25 सालों में एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा, ये बहुत ही अनपढ़ों वाली बात होगी। देखो, इस समय देश को बस दो चीजों की जरूरत है। पहली ये कि भारत सरकार अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाए ताकि भारत तेजी से ग्रो कर सके, और दूसरी हमारे साथ की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर भारत के 130 करोड़ लोग साथ मिलकर एक कदम भी लेंगे तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। तो हम सबको साथ में मिलकर भारत को आने वाले 25 सालों में एक डेवलप कंट्री बनाना है। अगर 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे चले तो हमारा देश 130 करोड़ कदम आगे निकल सकता है। ये अवसर हमको लेना है और उसे लेकर के आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।